गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में कौन सा क्लास को बताने जा रहे हैं? क्लास 3, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक्स है मेजरिंग लेंथ, एक्सरसाइज है 16वीं, पार्ट है 4। कौन सा पार्ट है बाबू? पार्ट 4, क्लास 3, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक्स क्या है मेजरिंग लेंथ, एक्सरसाइज क्या है 16वीं और पार्ट है 4। ठीक है, इसके पहले तुम सभी लोगों को बताए थे कन्वर्ट द फ्लोइंग लेंथ इनटू मीटर्स, यानी मीटर्स में चेंज करने के लिए बताए थे। कल प्रीवियस क्लास में क्या में चेंज करने के लिए बताए थे? मीटर्स में चेंज करने के लिए बताए थे। ठीक है, आज ध्यान दो, किलोमीटर्स एंड मीटर्स दोनों में चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 कल का होमवर्क में दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वेश्चन 3 दिए थे सभी लोगों को सॉल्व करने के लिए, उसमें 3-4 क्वेश्चन क्या किए थे बताए थे, और क्या जो बचा था उसको क्या दिए थे बनाने, सॉल्व करने के लिए दिए थे, यानी बनाने के लिए दिए थे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 16B में क्वेश्चन नंबर 3 में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फ्लोइंग COLVERT, कन्वर्ट द फ्लोइंग TSE, द फ्लोइंग FOLLOWING, कन्वर्ट द फ्लोइंग लेंस, कन्वर्ट द फ्लोइंग लेंस LENGTHS, कन्वर्ट द फ्लोइंग लेंस इंटू किलोमीटर्स KILOMETERS, किलोमीटर्स एंड मीटर्स, किलोमीटर्स एंड मीटर्स METERS, किलोमीटर्स एंड मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन ये क्या है, 1355 मीटर्स, क्या है 1355 मीटर्स इज इक्वल टू किलोमीटर, और क्या है बॉक्स मीटर। जो ध्यान दो क्या है, सबसे पहले तुम सभी लोगों को बताए थे जब कि किलोमीटर टू मीटर में चेंज करना होगा, यानी किलोमीटर से मीटर में चेंज करना रहता है, तो 1000 से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ क्या करना है, कन्वर्ट द फ्लोइंग लेंथ इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स, यानी किलोमीटर टू मीटर्स में चेंज करना, ये करना है ना। तो बताए थे जब KM टू कन्वर्ट रहे, कन्वर्ट करने के लिए होगा KM टू M, तो क्या करते थे 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन क्या करना है इसमें M टू KM करना है, यानी मीटर से कन्वर्ट क्या में करना है, किलोमीटर में करना है। तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये चीज तो पहले भी बता चुके हैं, बताया ना। देखो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, कन्वर्ट द फ्लोइंग लेंथ इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स, यानी जो लेंथ दिया हुआ है उसको क्या में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स और मीटर्स में कन्वर्ट करना है, क्या में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स और मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो आगे ध्यान दो क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1355 मीटर्स इज इक्वल टू क्या है, ब्लैंक्स किलोमीटर, ब्लैंक्स मीटर, यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ध्यान दो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1000 मीटर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोमीटर, ये तो जानते हो। 1000 मीटर्स इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, नहीं ना। चलो कितना मीटर्स दिया हुआ है, 1355 मीटर्स दिया हुआ है, भाई क्या में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो भाई क्या हो जाएगा 1000। एक चीज और ध्यान दो, सबसे पहले तो क्या करना है, 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, तो 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर लिख दिए। जब मीटर्स टू किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते थे, डिवाइड करते हैं कितना से, 1000 से। सबसे पहले अब इसको पॉइंट में चेंज करोगे तो ऊपर वाले को सेव करते हो लिखते, ये चीज जानते हो ना, क्या हो जाएगा 1355, नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो है, ये जितना नीचे जितना जीरो रहता है उतना राइट साइड से उतना डिजिट पहले क्या करते हैं, पॉइंट लिखते हैं, ये चीज तो जानते हो ना।
राइट साइड से उतना डिजिट पहले क्या करते हैं, पॉइंट लिखते हैं, यानी नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो राइट साइड से 3 डिजिट पहले क्या कर देंगे, पॉइंट लिख देंगे, 1 2 3, यानी यहाँ हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान दो, पॉइंट के पहले वाला जो होता है वह क्या होता है, किलोमीटर होता है। पॉइंट के जो पहले वाला होगा वह क्या होगा, किलोमीटर, सो किलोमीटर होगा, और जो पॉइंट के बाद वाला होगा वह क्या होगा, मीटर्स होगा। क्या होगा, मीटर्स होगा। पॉइंट के पहले वाला क्या होगा, किलोमीटर्स, पॉइंट के बाद वाला क्या होगा, मीटर्स होगा। ठीक है, यानी कितना किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर। कितना किलोमीटर होगा वो, 1 किलोमीटर, और कितना मीटर्स हो जाएगा, 355 मीटर्स। क्या हो गया, 355 मीटर्स आंसर। ध्यान दो, तो कितना किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर, तो इसमें क्या फिलअप कर दोगे, 1, और कितना मीटर्स है, 355 मीटर्स है। कितना है, 355 मीटर्स। कैसे किए, तो देखो फिर से एक बार देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा था, जो लेंस दिया हुआ है उसको क्या में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स एंड मीटर्स में कन्वर्ट करना है, यानी किलोमीटर्स और मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया था, या क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 1355 मीटर्स क्वेश्चन दिया हुआ था, इज इक्वल टू क्या है, बॉक्स, किलोमीटर और मीटर, यही दिया हुआ है। सबसे पहले 1000 मीटर्स इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर है, होता है 1 किलोमीटर कर दिए, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। एक चीज बताया कि तुम सभी लोगों को किलोमीटर टू मीटर कन्वर्ट करने के लिए रहता है, तो 1000 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, बट जब मीटर्स टू किलोमीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। ये चीज तो बताया थे पहले भी, तो क्या है, 1355 बाई क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। चलो ऊपर वाला जो दिया हुआ उसको तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, 1355, नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 डिजिट बाद क्या कर देंगे, पॉइंट बिठा देंगे, यानी 1 2 3, 3 डिजिट पहले क्या होगा, पॉइंट होगा। एक चीज और बताए थे, पॉइंट के पहले वाला जो होगा सो क्या होगा, किलोमीटर होगा। पॉइंट के पहले वाला जो होगा वह क्या होगा, किलोमीटर, और पॉइंट के जो बाद वाला होगा वह क्या होगा, मीटर्स होगा। ये चीज तो जानते हो। चलो पॉइंट के पहले क्या है, 1 है, तो 1 किलोमीटर, और पॉइंट के बाद क्या है, 355 है, यानी 355 मीटर्स हो गया। तो यहाँ क्या फिलअप कर दिए, 1 किलोमीटर एंड 355 मीटर्स। यदि तुमको कोई बोलेगा कि बताओ 1355 मीटर्स इज इक्वल टू कितना किलोमीटर और कितना मीटर्स होगा, तो क्या बोलोगे, 1 किलोमीटर 355 मीटर्स। ये क्वेश्चन में तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, 3508 3500 मीटर्स इज इक्वल टू किलोमीटर एंड मीटर्स, सॉरी मीटर्स। क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दो, जो लेंस दिया हुआ है उसको क्या में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स में और मीटर्स में कन्वर्ट करना है। क्या में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स और मीटर्स में कन्वर्ट करना है। क्या में कन्वर्ट करना है बाबू, किलोमीटर्स और मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3508 मीटर्स इज इक्वल टू बाबू किलोमीटर एंड मीटर, यही दिया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1000 मीटर्स इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। ये चीज तो तुम सबको पहले ही बताए, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर होता है, ये चीज तो बताए थे ना। चलो बताओ कितना मीटर्स दिया हुआ है, 3508 मीटर्स दिया हुआ है, 3508 मीटर्स। क्या में कन्वर्ट करना है बाबू, किलोमीटर, तो क्या कर देंगे, बाई 1000। ये तो जानते हो सभी लोग, जानते हो ना, बताओ 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या दिया हुआ है, 3508 है, तो यहाँ नीचे जब पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए बताए थे तो कैसे किया जाता है, सो जानते हो ना, बाई क्या है, 1000 है, ऊपर वाले को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, 3508, नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो है, कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो राइट साइड से 3 डिजिट पहले क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट पहले क्या करोगे, पॉइंट होगा।
यानी 1 2 3 राइट साइड ई साइड है ना, राइट साइड से 3 पहले हो गया, 1 2 3 हो गया। यानी एक चीज और बताए हैं कि पॉइंट के पहले वाला जो होता है वह क्या होता है और पॉइंट के बाद वाला जो होता है वह क्या होता है, ये चीज तो बताए थे। तो पॉइंट के पहले क्या है, 3 है। तो पॉइंट के पहले वाला जो होता है वह किलोमीटर होता है और पॉइंट के जो बाद वाला होता है वह मीटर होता है, ठीक है। यानी पॉइंट के पहले क्या है, 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, किलोमीटर, क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। और पॉइंट के बाद वाला जो होता है वह क्या होता है, मीटर्स होता है, तो कितना मीटर्स हो जाएगा, 508 मीटर्स हो जाएगा। कितना मीटर्स हो जाएगा, 508 मीटर्स। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर और इसमें क्या होगा, 508 मीटर। अब तुमसे कोई पूछ सकता है 3508 मीटर्स इज इक्वल टू, मीटर्स इज इक्वल टू कितना किलोमीटर और कितना मीटर्स होगा, कोई पूछेगा तुमको क्या जवाब देना है। सबसे पहले समझाना है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 3508 बाय 1000 कर दोगे ना। इसके बाद तुमको बताना है पॉइंट को पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं सो भी बताया है। नीचे कितना जीरो है, 3 0 है, तो राइट साइड से 3 पहले क्या कर देंगे, पॉइंट लिख देंगे, यानी 3.508। पॉइंट के पहले वाला जो होता है तो किलोमीटर होता है और पॉइंट के बाद वाला जो होता है वह क्या होता है, मीटर्स होता है, ये चीज तो जानते हो। तो पॉइंट के पहले वाला क्या है, 3 है, तो 3 क्या हो गया, किलोमीटर। और पॉइंट के बाद वाला क्या है, 508 है, तो 508 क्या हो गया, मीटर्स हो गया। ये तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया है ना बाबू। चलो आगे देखो, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सी ध्यान दो, क्वेश्चन सी 7022 मीटर्स, 7022 मीटर्स इज इक्वल टू किलोमीटर और कितना मीटर्स होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबू, क्या 7022 मीटर्स इज इक्वल टू कितना किलोमीटर और कितना मीटर्स होता है, ठीक है, कितना किलोमीटर्स एंड कितना मीटर्स होगा। तो सबसे पहले हमको क्या में कन्वर्ट करना है सो देखो, क्या में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स और मीटर्स में कन्वर्ट करना है, क्या में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स और मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7022 मीटर्स को किलोमीटर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं, मीटर्स में पूछ रहे हैं। बताओ 7022 को कन्वर्ट करोगे तो कितना किलोमीटर होगा और कितना मीटर्स होगा, यही क्वेश्चन है ना। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 मीटर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोमीटर, क्या होता है, 1 किलोमीटर हो गया। चलो ध्यान दो कितना मीटर्स दिया हुआ है, 7022 बाय क्या हो जाएगा, 1000, 7022 बाय 1000। तो सबसे पहले जब 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, पॉइंट में तो कन्वर्ट करने के लिए बताए हैं सभी लोगों को, जो ऊपर दिया रहता है उसको जेब काटते हैं लिखते हैं, तो 7022 हो गया। नीचे कितना जीरो है बाबू, 3 0 है, तो बताया थे डेसिमल पॉइंट में कैसे चेंज किया जाता है, यानी जितना जीरो रहेगा उतना राइट साइड से उतना डिजिट पहले क्या कर देंगे, पॉइंट लिख देंगे। नीचे कितना जीरो है, 3 0 है, 1 2 3, तो 3 पहले क्या करोगे, पॉइंट लिखोगे, 1 2 3, यानी कहाँ हो जाएगा, 0 के पहले हो जाएगा। एक चीज और बताए हैं, जो पॉइंट के पहले वाला होता है वह क्या होता है, ये भी बताए थे, पॉइंट के पहले वाला जो होता है वह क्या होता है, किलोमीटर होता है, क्या होता है, किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर हो जाएगा और कितना मीटर्स हो जाएगा, 22 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर एंड 22 मीटर, तो 7 किलोमीटर एंड 22 मीटर, सॉरी 0 22 मीटर, ठीक है, क्या होगा, 0 22 मीटर।
ऐसे तो सभी लोगों को हो जाएगा। सबसे पहले क्या कहता है, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर 7022 बाई 1000, ठीक है, यानी 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 7.022 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के पहले वाला जो होता है वह किलोमीटर में होता है, यानी 7 किलोमीटर और 22 मीटर्स। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं ना, बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, 9001006 मीटर्स वंस 10001006 यही है ना, इज इक्वल टू ब्लैंक्स किलोमीटर ब्लैंक्स मीटर्स। ध्यान दो क्या हमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स एंड मीटर्स में कन्वर्ट करना है, क्या हमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स एंड मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 91006 मीटर्स को कितना किलोमीटर में कितना किलोमीटर होगा और कितना मीटर्स होगा, यही कन्वर्ट करना है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले 1000 मीटर्स इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है, ये चीज तो सभी लोग जानते हो ना। तो कितना मीटर्स दिया हुआ है, 91006 बाय क्या हो जाएगा, 1000 बाय क्या होगा, 1000। यहाँ ध्यान दो ऊपर वाला जो दिया है उसको जीरो का त्यों लिखेंगे, यानी 91006 और क्या हुआ 6, नीचे कितना जीरो है बाबू, 30 है, कितना जीरो है, 30 है। तो 3 पहले क्या करेंगे, पॉइंट लिख लेंगे, क्या लिखोगे, 3 पहले पॉइंट 1 2 राइट, 3 पहले कौन सा, किस साइड से, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से 3 पहले क्या करोगे, पॉइंट लिखेंगे, तो 1 2 3 यानी कहाँ हो जाएगा, 0 के पहले हो जाएगा, यानी 91 किलोमीटर और कितना मीटर्स होगा, 006 मीटर्स। ये चीज और बताए थे, जो पॉइंट होता है पॉइंट के जो पहले वाला होता है वह क्या होता है, किलोमीटर्स होता है, और पॉइंट के बाद वाला जो होता है वह क्या होता है, मीटर्स होता है, ये चीज तो जानते हो ना। तो पॉइंट के पहले क्या है, 91 और पॉइंट के बाद क्या है, 006 है, यानी 91 किलोमीटर एंड 6 मीटर्स, ठीक है। क्या क्या कर दोगे, 91 और क्या होगा, 006 मीटर्स, केवल 6 भी लिख सकते हो, नहीं तो 006 भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, कन्वर्ट करने के लिए था, यानी बदलना था, सेंस कन्वर्ट करना था, क्लासेस में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर्स एंड मीटर्स में कन्वर्ट करना था, क्या में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर्स एंड मीटर्स में कन्वर्ट करना था। तो क्या दिया हुआ है, 91006 मीटर्स दिया हुआ है, इसको क्या में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर्स एंड मीटर्स में कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहले क्या किए, 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, जानते हो ना, 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, ये सब फर्स्ट क्लास में ही, प्रीवियस क्लास फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था तुम सब लोग, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये सब तो सभी लोग पढ़े हो ना। आगे देखो क्या किए हैं, जब बताए थे जब मीटर से किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे कितना से, 1000 से, जब मीटर टू किलोमीटर रहेगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना से, 1000 से, जैसे बताए। तो क्या 91006 मीटर से चेंज कन्वर्ट क्या में करना है, किलोमीटर में एंड मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 91006 बाई 1000। चलो ध्यान दो नीचे कितना जीरो है, 30 है, तो जितना जीरो रहता है उतना राइट साइड से उतना डिजिट पहले क्या करते हैं, पॉइंट लिखते हैं, यानी 91.006। तो पॉइंट के पहले वाला क्या होता है, किलोमीटर होता है, और पॉइंट के बाद वाला जो होता है क्या होता है, मीटर्स में होता है। तो पॉइंट के पहले क्या है, 91, तो 91 किलोमीटर और क्या, 6 मीटर्स हो जाएगा, 91 किलोमीटर और 6 मीटर्स, ऐसे बन जाएगा सभी लोगों को, बताओ यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। चलो आगे ध्यान दो, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर डी में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्वेश्चन नंबर डी इसमें तो दिक्कत नहीं किसी को। चलो नेक्स्ट देखो आगे क्या है। आगे होमवर्क, आगे क्या है होमवर्क, एच ओ एम ई डब्ल्यू ओ आर के होमवर्क, सॉल्व एक्सरसाइज, सॉल्व एक्सरसाइज ई एक्स ई आर सी आई ए सी सॉल्व एक्सरसाइज क्या है 16B, सॉल्व एक्सरसाइज 16B। क्वेश्चन नंबर फोर देखो ध्यान दो क्या है बाबू, होमवर्क यानी घर से बना घर से सॉल्व करना है, सॉल्व एक्सरसाइज 16B क्वेश्चन नंबर फोर, यानी क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है कितने क्वेश्चन है A to F यानी A से लेकर क्या है F तक है। क्वेश्चन नंबर फोर में 3-4 क्वेश्चन क्या कर दिए बता दिए समझा दिए, उसी तरह सेम टू सेम क्या है जो बाकी क्वेश्चन है ये सारे क्या करना है सॉल्व करना है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम बताए हैं समझाए हैं। ठीक है, थैंक यू।